चलिए फ्रेंड्स, आज हम बच्चों के लिए गेहूं के आटे का हलवा बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने बादाम, काजू और अखरोट ले लिया है, जिससे हम उसे पीस लेंगे। यहाँ पर मैं एक तरफ गेहूं के आटे को अच्छे से भून रही हूँ और एक तरफ मैं ड्राई वाली गेहूं के आटे भून रही हूँ। उसे मैं स्टोर करके रखने के लिए भून रही हूँ। और ये जो ब्लैक पैन पे है, जो है उस पर मैं हलवा बना रही हूँ, जिसे मुझे अभी बेबी को खिलानी है। तो यहाँ पर मैंने ये ड्राई रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट्स उसे पीस लिया है और इसे मैं एक चम्मच इस पर मिला दूंगी। अभी इस पर मैं मिक्स कर दूंगी। गेहूं के आटे का हलवा है, इस पर मैंने पानी मिला दिया है, मिश्री मिला दिया है, घी डाल रही हूँ। यहाँ पर देसी शुद्ध घी है, यहाँ पर 2 चम्मच। तो ये रहा आपको बनकर कुछ इस तरीके से दिखेगी और ये रहा बनकर तैयार है। तो अगर आपके घर में फ्रेंड्स बेबी बहुत नखरा कर रहे हैं, आजकल बच्चे बहुत नखरा करते हैं खाने को लेकर के, तो आप रेगुलर 1 महीने तक दीजिए, आपके बेबी बिल्कुल हेल्दी वेट गेन करने में बच्चों की हेल्प करेगा। तो आप डेली इसे उनके खाने की रूटीन पे बिल्कुल दीजिए। और हाँ, देखो मेरी बेबी कुछ इस तरीके से, मुझे उसे लड्डू बना कर खिलाना पड़ता है ताकि वो टॉफी समझ के उसे खा पाए। तो ये रहा कुछ डेमो, मेरी बेबी ऐसे फटाफट ये ऐसा करके खा जाती है फ्रेंड्स। तो आप भी इसे एक बार अपना करके देखिए। सावी, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी लाते रहूँ। लड्डू खा रही हो बेटा?